दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, बेसिकली आज हम प्रेगनेंसी केयर से जुड़े कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जब आपको पता चले कि आपने कंसीव किया है, मिस आप प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम आप अपना ध्यान कैसे रखें जिससे आपको किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े, आप और आने वाला बेबी दोनों सेफ रहे। तो चलिए इन सब बातों को जानने के लिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल पीरियड होता है, खासकर तब जब आप फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है। पहले के टाइम में बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस होते थे, बेबी घर में ही दाई की हेल्प से बॉर्न हो जाते थे। बट आज के टाइम बिल्कुल अपोजिट है। आज के टाइम में प्रेगनेंसी में थोड़ी सी भी लापरवाही करने का मिस होता है कि कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाना। इसका रीजन होता है आज का एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन, हमारा खान पान, ये सारे फैक्टर प्रेगनेंसी पर इफेक्ट डालते हैं। सो, जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। डॉक्टर जो भी आपको टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, चाहे वो थायराइड टेस्ट हो, चाहे यूरिन हो, चाहे ब्लड हो, इन सारे टेस्ट को आपको जरूर करवाना है। जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं वो आपको टाइम पर रेगुलर लेते रहना है। ये सारे टेस्ट करवाने का रीजन ये होता है क्योंकि इनके रिपोर्ट से ही आपके हेल्थ के बारे में पता चलता है। एंड अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करते, आपको मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बीमारी इनिशियल लेवल पर ही पता चल जाती तो आगे किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम। प्रेगनेंसी के अगर दूसरे काम की बात करें तो सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है कि अगर आपको टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम या कुछ और है, तो आपको घबराना नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। बिकॉज अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप इन बीमारियों से स्ट्रेस ले लेते हैं, जो कि रियली रॉन्ग है। बीमारी तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने जो स्ट्रेस लिया उससे आप अपने और अपने आने वाले बेबी के हेल्थ, दोनों के हेल्थ पर बैड इफेक्ट डाल रहे हैं। जो पहले से प्रॉब्लम है वो तो है ही, साथ में आप अपने लिए नई प्रॉब्लम को, नई कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेस लेने से आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है, बच्चा लो बर्थ वेट हो सकता है। सो, इन सभी टाइप के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से मिलकर, कंसल्ट कर उसे दूर कीजिए। अपने आने वाले बेबी को लेकर आप खुश रहिए। बेबी के आने के बाद आपको क्या करना है, बच्चे को कैसे रखना है, उसकी परवरिश कैसे करना है, बच्चे की टेक केयर कैसे करना है, इन सब बातों के बारे में सोचकर आप खुश रहिए। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर हम थर्ड काम की बात करें कि थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, तो इस स्टेप में आपको अपने डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। क्योंकि प्रॉपर और बैलेंस डाइट लेने से जन्म के समय बच्चे का वेट और हेल्थ सब कुछ नॉर्मल रहता है। प्रॉपर और बैलेंस डाइट का मीन्स ये है कि आप अपने डेली के डाइट में पल्स, सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स, रोटी, राइस, सैलेड, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, एक दिन में दो तरह के फ्रूट्स जरूर शामिल करें। साथ ही एक वीक में 3 से 4 बार कोकोनट वाटर लेना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कोकोनट वाटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ में आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपको अनपश्चराइज मिल्क और अनपश्चराइज डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको रॉ एग, रॉ मीट या रॉ फिश भी नहीं खाना है। अगर आप चाय कॉफी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको ज्यादा चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना है। एंड फ्रूट्स में आप सभी तरह के सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं एक्सेप्ट पपाया और पाइनएप्पल के। पपाया ना लेने का रीजन ये होता है कि पपाया में लेटेक्स पाया जाता है जो बॉडी में गर्मी जनरेट करता है। ये आपके और आने वाले बेबी दोनों के हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, इसलिए पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आप पपाया को लेने से अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें कि फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशन हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। कंसीव करने के बाद आपको भारी वजन का सामान नहीं उठाना है, क्योंकि भारी वजन का सामान उठाने से कमर पर ज्यादा जोर पड़ता है, यूट्रस पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो आप भारी वजन का सामान बिल्कुल ना उठाएं। प्रेगनेंसी के टाइम आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है, ना ही तेज चलना है, ना ही आपको एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठना है, ना ही आपको एक ही जगह पर ज्यादा देर तक खड़े होना है। प्रेगनेंसी के टाइम आपको रेस्ट भी करना है। दिन में आप 2 से 3 घंटे की नींद लीजिए। इसके अलावा जब भी आपको थकान महसूस होता तो भी आप बेड पर लेटकर रेस्ट कीजिए। प्रेगनेंसी के टाइम आपको मॉर्निंग और इवनिंग में डेली के बेसिस पर 15 से 20 मिनट के लिए आराम आराम से वॉक करना चाहिए।
क्योंकि वॉक करने से मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, साथ में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर रिस्की पीरियड होता है, तो इस समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर हम फिफ्थ स्टेप की बात करें कि फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको बहुत खुश रहना है। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आप खुश रहिए, आप जितना खुश रहेंगे उतना ही आपके और आने वाले बेबी दोनों के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। खुश रहने के बहुत से तरीके हैं, जैसे आप आने वाले बेबी के बारे में सोचकर खुश हो। आप इमेजिन कीजिए कि आने वाला बच्चा कितना छोटा सा होगा, उसकी छोटी सी आईज होंगी, छोटी सी नोजी होंगी, छोटे से लिप्स होंगे और टीथ तो होगा ही नहीं, छोटा सा लैग होगा। तो इस तरह से बच्चे के बारे में सोच सोच कर आप खुश रहिए। इसके अलावा आप अपने मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने किसी अच्छे फ्रेंड से फोन पर बात कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुश होने के तरीकों को ढूंढिए और खुश रहिए जितना हो सकते हैं। आप कॉमेडी सीरियल देख सकते हैं, अच्छे बुक्स या मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। एंड मोर थिंग, आप चाहे तो इस समय कोई धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरितमानस को भी पढ़ सकते हैं। सो इस तरह से इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पर अगर आप नए विजिटर हैं, मिस आपने नया विजिट किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।